नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कैथल का एक ऐसा बाबा जिसे अपने आत्मदाह की चेतावनी देनी पड़ी। दो बार उसके पक्ष में आ चुका है कोर्ट का फैसला, फिर भी डेरे पर कब्जा लेने के लिए उसे आत्मदाह की चेतावनी देनी पड़ी। कानून के रूखेपन से ही कानून की पालना में ही देरी। जी हाँ, कानून की रक्षा और साथ का दम भरने वाले प्रशासनिक व्यवस्था की बेरुखी के कारण बाबाओं के डेरों पर संकट मंडरा रहा है। कैथल जिला के गांव बाबा लदाना में डेरा बाबा राजपुरी मामले में सोमवार को उस समय नया मोड़ आ गया जब महंत दूजपुरी के पक्ष में दो बार फैसला आने के बाद भी प्रशासन द्वारा उन्हें कब्जा नहीं दिलाने पर डेरा के महंत आहत उठे और लघु सचिवालय में पहुंच करके प्रशासन को आत्मदाह की चेतावनी दे डाली। वहीं इस मामले में महंत दूजपुरी ने कहा है कि हमारे साथ साजिश हो रही है, हर व्यक्ति अपनी अपनी ओर से डिमांड रख रहा है क्योंकि ये लोग दूसरे पक्ष को सटेट दिलवाना चाहते हैं। महंत दूजपुरी ने कहा है कि कल मैं अकेले बाबा राजपुरी में वहाँ के डेरे में पूजा करने आया था, यहाँ पर सब कुछ सामान्य है, कुछ लोग उन्हें कहते हैं कि उन्हें डेरे में रहने नहीं दिया जाएगा, जिसके पीछे का एक बड़ा कारण है कि कुछ लोग वहाँ पर 10 लोग बताए जा रहे हैं जो वहाँ की ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। महंत दूजपुरी ने बताया कि वे बचपन से ही यहाँ आए थे। महंत ओमपुरी जी ने जब संन्यास लिया था तो महंत ने कहा था कि इंतकाल फर्द और गिरदावरी सब उनके नाम पर है, पर प्रशासन इसमें सहयोग नहीं कर रहा है। वहीं दूजपुरी का आरोप है कि अदालत के ऑर्डर भी हुए हैं, 4 दिन पहले ऑर्डर जारी किए गए थे कि इन्हें कब्जा दिया जाए, परंतु अब तक उन्हें डेरे का कब्जा नहीं दिया गया क्योंकि प्रशासन चाहता है कि दूसरे पक्ष को सटे मिल जाए। उनमें 8-10 लोग हैं जो सटे लेना चाहते हैं और ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। वह इस मामले को लेकर के पुलिस अधीक्षक वसीम अक्रम के पास भी गए थे। उन्होंने कहा कि उनके साथ जायज हक दिलाने के लिए प्रशासन उनका साथ देगा। उन्होंने कहा कि महंत दूजपुरी को धरने पर बैठने से मना किया गया है और अगर वे धरने पर बैठते हैं तो उनके साथ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस तरह की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुँचाने वाली कई घटनाएँ सामने आ रही हैं। कुछ गुनहगार बाबाओं की वजह से वे भी सबके घेरे में आ रहे हैं जो गुनहगार नहीं हैं। सही और शांति से चलने वाले डेरों पर भी इस समय ऐसे लोगों की नज़र बनी रहती है जो डेरों की ज़मीनें हड़पना चाहते हैं। हालांकि सरकार ने इस तरह से कई कानून भी पास किए हैं कि डेरों की ज़मीन डेरों में रहने वाले महंतों के नाम की जाए। इसके लिए 2009 में कानून भी पास किया गया था। इस तरह की ज़मीन का मालिकाना हक उन्हें जो पुजारी हैं या महंत हैं उन्हें दिया गया है और इसी कानूनी पालना में महंत के हक में फैसला दिया गया था। आप देख रहे हैं पर्पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की एक खास रिपोर्ट। तो बताएं आप लोग, सर मीडिया हो, आप लोगों को पता है इस चीज़ का, ये हमारे साथ साजिश हो रहा है। अच्छा। हर आदमी हमारे को अपना अपना डिमांड रख रहा है, अब हम क्या करें, कहाँ तलक दे में साधु संत आदमी है ना, हमारे पास कोई 2 नंबर की आमदनी है, हमारे डेयरी की व्यवस्था हम चलावें कि हम इन्हें अपना इनका कार्य करें, वो भी हम लोग आपको एसपी साहब भी हमें यही कर, 3-4 दिन का उनको मौका मिलने के बाद हमारे पास कुछ रही नहीं जाएगा, वही फिर फॉलो किया जाएगा जो पहले हमारे साथ हुआ है, उनको स्टे दिलाने की कोशिश हो रही है और हमारे साथ कब्जा देने का बिल्कुल। और कल मैं डेरे में भी गया था, अकेले में डेरे में गया था जिसका वीडियो मेरे पास है, वहाँ कोई भी ऐसी व्यवस्था ख़राब नहीं है, हर तरह से सब ठीक ठाक है। मैं अकेले धोक मार के आया हूँ बाबा राजपुरी के डेरे में, वहाँ कोई भी अव्यवस्था नहीं है, ना गांव में किसी प्रकार का कोई शरारत है, सिर्फ 10 आदमी हैं जो हमारे भूमि को कब्जा करना चाहते हैं, जिसका कोर्ट का मेरे पास डिग्री है, सेक्शन कोर्ट का 50 एकड़ का हमारे पास डिग्री है, उसी ज़मीन की वजह से ये लोग मेरे को टारगेट कर रहे हैं। सिर्फ वो लोग 10 हैं और पूरा गांव एक तरफ है, जिनका सिग्नेचर भी हमारे पास है, सारा कुछ हमारे पास है। आप लोगों को मैं अभी नीचे चल के आपको सबको दिखाऊंगा मैं, जिसे वो लोग ये बोल रहे हैं कि बाबा ये ज़मीन छोड़ दो अन्यथा तुम्हें हम डेरे में रहने नहीं देंगे और तुम्हें हरियाणा में नहीं रहने देंगे। और मैं बचपन से इसी दरगाह में रहता हूँ, मैं 14 साल की अवस्था में यहाँ पे आया था और श्री महंत ओमपुरी जी से द्वारा मैं संन्यास लिया हुआ हूँ और वहीं पे मैं बचपन से रहा हुआ हूँ। इंतकाल गुरदौरी फरत सब कुछ मेरे नाम है, लेकिन प्रशासन हमारा कोई सहयोग नहीं कर रहा है, ना मेरे को सुरक्षा दे रहा है, इसलिए मैं आज दुखी होकर आप लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप लोग मेरी मदद करो सिर्फ, और प्रशासन मेरे के लोग के बाद हम प्रशासनिक कब्जा आपको दे सकते हैं। 3 दिन में तो उनको स्टे मिल जाएगा,
हमारा 4 दिन ऑर्डर हुए हो चुका है, पहले भी हमारे पक्ष में ऑर्डर हुआ है और अब तक हमारे को सुरक्षा तलक नहीं दी जा रही है, तो और कब्जा कहाँ से दिया जाएगा? अकेला साधु क्या कर सकता है? बताया कि अब हमारे पास कोई चारा तो रह नहीं गया है और हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं रह गया है, तो हम ज्ञापन दे के डीसी साहब को और आपको बताए, हम लोग अब अपने तरफ से आत्मदाह करेंगे और क्या, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अभी पिछले हफ्ते के वीकेंड पे इनके एसडीएम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, उस मुकदमे में इनके हक में फैसला आया है, वो ऑर्डर मैंने देखा है। तो इनका जो कहना है कि भाई इस जमीन पे हमें कब्जा दिलवाया जाए, तो कब्जा दिलवाने के बारे में इन्होंने, इनको जो लीगल रिकॉर्ड्स है मैंने उसके बारे में कहा है कि आप डीसी ऑफिस में बात करिए, एक एप्लीकेशन लगाइए, ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट होगा, उसके बाद पुलिस